बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बिहारी किचन में मैं आप लोगों को ड्रम स्टिक बता रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है, ये बहुत अच्छा बनता है। अगर अच्छे से पकाएं तो बहुत अच्छा होता है, कड़वा नहीं होता है बिल्कुल भी आप इसको, लेकिन अच्छे से इसको छीलना पड़ता है। ये देखें, मैं इस ले ली ड्रम स्टिक और उसके बाद इसको अच्छे से मैं छील ले रही हूँ। इसका ग्रीन ग्रीन जो है ना, वो आप अच्छे से निकाल लें। मैं कम आधा किलो ये है और एक पाव आलू और एक पाव मैं मटर ली हूँ। मटर आलू के साथ मैं बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह छील लें और सारा छील लें। उसके बाद पानी में इसको धो लें अच्छी तरह। उसके बाद देख, कढ़ाई में आप तेल ले लें, आधा कप तो आप तेल ले लें। और उसके बाद उसमें मेथी का धुआं दे दें। ये दो प्याज मैं इसलिए ली, दो प्याज को मैं बारीक पीस लूँगी। ये देखें, तेल ऑयल ले ली मैं आधा कप और उसके बाद इसमें मेथी दाना डाल दी। सब्ज़ियों में मेथी दाना ज़रूर डाला करें, उसका टेस्ट अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये चार टमाटर मैं ले ली और प्याज जब मैं बारीक पीस ली तो इसमें चार टमाटर डाल दूंगी। ये चार टमाटर डाल दिए और इसमें मैं, तेल गरम हो गया, इसमें मेथी डाल के इसको कड़क करवा कर ली। उसके बाद इसमें मैं मसाला डाल दूंगी। ये देखिए, मैं पीसा हुआ मसाला सारा डाल दी इसमें। एक चम्मच मैं कुटी मिर्च डाली हूँ, एक चम्मच पीसी मिर्च, एक चम्मच मैं जीरा पाउडर डाली और एक चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल दी और एक चम्मच मैं हल्दी पाउडर, ये 1.5 चम्मच मैं नमक डालूंगी इसमें और इसको अच्छी तरह मैं भून लूंगी। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा ये भुन जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। एक चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी, क्योंकि ये सब्ज़ी है तो सब्ज़ी में इतना लहसुन अदरक इतना ज़रूरत नहीं होता, थोड़ा सा ही भी डाल दें तो अब अच्छा जायका हो जाता है उसका। ये देखें, अच्छी तरह मसाला मैंने भून लिया, इसमें ये मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। इसमें एक पाव में मटर भी डाल दी, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है ये ड्रम स्टिक। आप अपने घर में बनाएं, और ये कम कम ही मिलता है सब्ज़ी की दुकान में, लेकिन मिल जाता है ढूंढने से। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खाया कीजिए, एंजॉय किया कीजिए। ये देखिए, मैं मटर इसमें एक पाव डाल दी और इसको अच्छी तरह मैं भून के इसमें कम से कम मैं 2 गिलास पानी इसमें डालूँगी, और 2 गिलास पानी डाल के मैं इसको आधे घंटे के लिए कम आँच में इसको छोड़ दूँगी इसी तरह, तो ये अच्छी तरह गल जाएगा। देखिए, 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया और उसके बाद इसको मैं ढक दूंगी आधे घंटे के लिए। और ये देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, बिल्कुल गल गया है ये सालन और तेल ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है आपको। इसको चलाना नहीं, आप चलाएंगी नहीं इसको, हल्का हल्का से हिला लेंगे लेकिन चलाएंगे नहीं तो ये ड्रम स्टिक जो है वो टूट जाएगा। ये हरी मिर्च, हरी धनिया डाल दी, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है। अपने घर में ट्राई कीजिए, खाए कीजिए, इंजॉय किया कीजिए। ये देखिए, आलू है और बिल्कुल एक दाना भी जो है ना उसका टूटा नहीं है मुझसे। ये देखिए, आलू मटर है, टमाटर, सब चीज़ आपको सबका टेस्ट अच्छा अच्छा आएगा। अल्लाह हाफिज़।